शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रैक्टिकल अगर हम देखे तो बाप दादा ने भी इतना समय इतना शुरू किया। दादियां जब थी हमारे पास में तो कहते थे बाप दादा जब आते थे तो उस समय पांडव वन के बाबा के कमरे में बाबा आता था दादी के कद में, और घंटों उस समय तो थोड़े से बच्चे होते थे, घंटों बाबा सबको समय देता था, एक एक के साथ भोजन करता था, एक एक के साथ में बाबा उनको खिलाता था तो बाबा को खिलाते थे, कितना वो मीटिंग थी। उसके बाद जैसे बच्चे बढ़ते गए तो हिस्ट्री हॉल में आना चालू किया। मुझे याद है हमने पहली मुलाकात जब बाबा से किया था तो हिस्ट्री हॉल में ही किया था, और हिस्ट्री हॉल में वो थोड़े से बच्चे होते थे, बाबा घंटों देखते थे, बाबा के साथ ही रात्रि का भोजन होता था। और उसके बाद जैसे बढ़ते गए बच्चे तो मेडिटेशन हॉल, उसके बाद ओम शांति भवन। तो जो बाबा ऑल्टरनेट डे पर आता था पहले, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू कर दिया या हफ्ते में एक बार आना शुरू किया, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू हुआ। और उस समय बाबा जो एक एक से पर्सनल मिलते थे, उसके बाद ग्रुप ग्रुप मिलना चालू किया सेक्टर वाइज, उसके बाद जोन वाइज मिलना चालू किया। नीचे जब शांति वन में आना चालू किया तो बस इकट्ठा एक बार बाबा पहले पूरी पूरी रात बैठता था, एक एक ग्रुप से मिलता था, और फिर यहाँ शांति मन में 10 बजे तक 12 बजे तक मैक्सिमम बाबा। तो बाबा ने भी समेटना शुरू किया, और समेटते 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 अब क्या हो गया, समेट लिया ना बाबा। ये समय का सबसे बड़ा इशारा है कि जब भगवान ने समेट लिया तो वो समय कितना नजदीक होगा, सोचने की बात है। कभी तो भगवान ने कितनी परसेंटेज की हो जानी चाहिए और कितनी